तो ये देखिए, इसमें जो है आपको फ्री में इतना टूल मिला है, स्मैटिक डायग्राम, आपको हार्डवेयर टूल, इतना आपको डायग्राम भी इसमें देखने को मिल जा रहा है, फुल्ली हार्डवेयर स्मैटिक डायग्राम, हार्डवेयर टूल जो इसमें देखने को मिल जा रहा है आपको, ये देख लीजिए फुल्ली, ये जो है फ्री में मिलने वाला आप लोगों को। वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिए कैसे इसमें रजिस्टर करना है। ये देखिए फुल्ली स्मैटिक डायग्राम जो आप लोग खोजते हैं एक साथ मिलेगा। और मेन जो है इसमें ये लेयर, लेयर जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला लेयर 1 2 3 4 5 6 8 लेयर तक है। ये मेन जो है बहुत ही अच्छा है, ये अपडेट है इसका अच्छा। 1 ईयर आपको फ्री में मिलने वाला है, बस आप लास्ट तक वीडियो देख लीजिए कैसे इसको यूज़र नेम डालना है, कैसे रजिस्टर करना है। मेन चीज़ जो है आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और इसको समझ लीजिएगा कैसे आपको चलाना है, कैसे यूज करना है, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो हाय फ्रेंड दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एम एच के एस मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छा टूल लाया हूँ, और ई एस टेक जो टूल है वो स्मैटिक डायग्राम टूल है, और वो फ्री 1 ईयर जो है एक्टिवेशन वो फ्री दे रहा है, और बहुत ही अच्छा उसमें अपडेट है। सेम बोर्नियो के जैसा है उसमें, और बोर्नियो से एक स्टेप बढ़ के भी है उसमें। क्या क्या अपडेट है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है, किस तरह से आपको यूज़र नेम डालना है, कैसे पासवर्ड क्रिएट करना है, कैसे उसमें रजिस्टर करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो न्यूज़ एंड लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लाता रहता हूँ वो आपसे मिस ना हो। तो मेन जो इसका अपडेट है, इसमें स्मैटिक डायग्राम मिल जाएगा आपको, हार्डवेयर सॉल्यूशन मिल जाएगा, बिटमैप मिल जाएगा, चौथा जो मेन बहुत ही अच्छा एक शुरुआत इसको माना जाए, और बहुत ही अच्छा है ये लेयर का, इसमें जो आपको लेयर देखने को मिल जाता है। लेयर जो है इसमें मेन अच्छा चीज़ इसमें क्या है, लेयर के लिए लेयर जो है इसमें आपको अंदर पीसीबी के अंदर जैसे कट करते हैं बोर्ड को, वो अपडेट है इसमें, जो कि कट करने के लिए आप लोगों को काम आता है। अंदर में कहाँ से कौन सा ट्रैक है, कहाँ जा रही है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, 8 लेयर, उसमें पूरा डीपली नॉलेज उसमें दिया हुआ है स्मैटिक डायग्राम में। तो आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और कैसे इसको यूज़ करना है बिल्कुल मैं क्लियरली, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, मैं पूरा क्लियर आपको नो डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए आगे चल के, कोई भी किसी का वीडियो देखने का ज़रूरत आपको पड़ेगा ही नहीं ये फर्स्ट वीडियो देखने के बाद। और डाउनलोडिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, खुद का वेबसाइट है उसमें जाइए, बिल्कुल ईजीली, कोई ऐड वगैरह कुछ नहीं आएगा, 1 क्लिक में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा हो, एरर वगैरह कुछ भी आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, और मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊं। ये जो है अभी विंडोज 7 में अच्छा तरीके से वर्क कर रहा है, विंडोज 10 के लिए अपडेट आ जाएगा, तो उसके बाद मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या आपका काम कर रहा है, कैसा लगा आपको ये टूल। तो कमेंट करने से ये होता है कि हमें पता चल पाता है कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, तो इस पर मैं वीडियो आगे और भी लाऊँगा फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, कैसे रजिस्टर करना है, किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाता हूँ इसको सबसे पहले कि डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने वेबसाइट का,
तो आप यहाँ आइएगा, इस वेबसाइट पे आइएगा, तो इसको नीचे जाना है, ई एस टैग करके होगा, तो आप नीचे को देख रहे हैं मेगा का लिंक आपको दिख जाएगा, तो आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको मेगा पे जाएगा लेके, तो आप वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से टूल को रन कर लेना है। रन करने के बाद आपको क्या करना है आप देख लीजिए, यहाँ से बोल रहा है दिस इज नेवर वर्जन वुड यू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इसका नया अपडेट आ चुका था इसलिए ये बोल रहा है कि आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तो ठीक यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। हम डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन का क्यों नहीं कर लेंगे, तो हम यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर दिए, थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद इसको आपको इजीली आप कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ से डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद यहाँ से रन हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये देख लीजिए हमारा जो है रन ऑटोमेटिक यहाँ से हो गया। तो यहाँ से नीचे जो है नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे अपन लोग, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2015 ये आपको इंस्टॉल करना होगा सेटअप डाउनलोड करने के बाद। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को स्प्लिट प्ले कर दूँगा, ताकि यहाँ के थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा, बिल्कुल ईजिली आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा, ईजिली आपका काम भी हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए सेटअप सक्सेसफुल, तो यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल प्रोग्राम इंस्टॉलिंग ऑटोमेटिक ये ले लेगा, तो यहाँ से इंस्टॉलिंग भी हो चुका है, यहाँ से फिनिश कर देंगे। हमने थोड़ा सा यहाँ से वीडियो स्पीड प्ले कर दिया है, मेन पर्सन जो होता है यहाँ से यूज़र नेम कैसे बनाना है, पासवर्ड कैसे रखना है, क्या क्या है इसका प्रोसेस मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, अगर आप लोगों का रन नहीं होता है तो आपको डेस्कटॉप पे एक लोगो बन के आ जाएगा ई एस टैग करके, तो आप उसको यहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा फर्स्ट, यहाँ पे नीचे जो रजिस्टर देख रहे हैं रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर में आपको क्या करना होगा, आपका नाम अपना डाल सकते हैं या किसी का भी नाम डाल सकते हैं, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है, बट इसका कोई लेना देना नहीं है नाम का। इसमें जो है मेन, मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे, मेन जो है आपको ईमेल रखना है याद करके, जो आपका सही हो और याद भी रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है याद का, क्योंकि OTP वगैरह कुछ भी नहीं जाता, ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाता है इसमें फ्रीली, और 1 ईयर इसका ऑस्मेटिक डायग्राम फ्री है। तो मैं ईमेल यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। सबसे फर्स्ट ईमेल को डालने के बाद आप यहाँ से हो सके तो ईमेल को यहीं से कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे बताऊँगा ज़्यादा दिक्कत, अगर कई बार गलत ईमेल डालने के कारण फिर से आपको रजिस्टर करना पड़ जाए तो दिक्कत होगा उसमें। तो आप यहीं से जैसे डालते हैं तो यहीं से आप ईमेल को मिला लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा, और पासवर्ड आपको जो याद है मैंने यहाँ से देख लीजिए कॉपी कर लिया ईमेल को, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड जो है आप लोग डाल लीजिएगा याद करके, जो आपको याद रहता हो, और यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। तो बिफोर प्रोसेसिंग चेक योर ईमेल एंड करेक्ट, ये बोल रहा है ईमेल आपका सही हो तो आप यहाँ पे ओके कीजिए, तो यहाँ से मैंने ओके किया और ये बता रहा है योर ऑलरेडी एक्टिवेट, तो ये सक्सेसफुल एक्टिवेट कर दिया। मैं आपको फिर से यहाँ से रजिस्टर करके दिखाता हूँ, तो ये बताएगा कि आपका जो है ऑलरेडी एक्टिवेट यहाँ से हो चुका है, ये देखिए ऑलरेडी रजिस्टर। तो आपको यहाँ से बैक जाना है और आप जो ईमेल कॉपी किए थे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एक बार पेस्ट हो गया, और उसके बाद क्योंकि ईमेल से ही ये लॉगिन होता है, और ये पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और रिमेंबर पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट साइड जो रिमेंबर ये पे टिक कर दीजिएगा और उसके बाद साइन इन कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये फटाक से लॉगिन होता है, कोई तरह के एरर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। एरर विंडो 10 में आ रहा है तो उसका भी फिक्स अपडेट इनका टीम जो है अपडेट इनका बहुत ज़्यादा देगा, बहुत ही जल्दी विंडो 10 में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बहुत ही जल्द। मैं 2 दिन पहले इसको एडिटिंग कर रखा हूँ तो अपलोड करने का थोड़ा टाइम वगैरह नहीं मिल पाता था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो ये देखिए मेरा फाइनली लॉगिन यहाँ से हो चुका है ये, और लॉगिन करने के बाद आपको होम में जाना है। ये देख लीजिए सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसका कंडीशन, ये सारा कुछ इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ से दे रखा है। ये अबाउट है, यहाँ से होम है। सबसे फर्स्ट मैं ये दिखाता हूँ कि इसका जो है कि ये जो है 1 ईयर फ्री में दे रहा है या नहीं दे रहा है, कहाँ से आपको चेक करना है। फर्स्ट ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे रजिस्टर टू मिथिलेश कुमार, मिथिलेश इधर ईमेल जो दिखेगा आपको एक्सपायर दिखेगा 23/6/10 तारीख 6 महीना। मैंने इसी टाइम वीडियो बनाया था जो कि थोड़ा आप देख लीजिए टाइम की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, इधर काम का बहुत ज़्यादा लोड रहता है तो इसलिए मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लेट भी आ रहा है, थोड़ा कुछ काम का प्रेशर रहता है इसलिए, ठीक है।
तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे फर्स्ट में स्कीमेटिक डायग्राम हार्डवेयर सॉल्यूशन, ये जो है हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल के कि क्या इसका कैसे है, और इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन हो, बीट मैप हो, स्कीमेटिक डायग्राम हो, लेयर, लास्ट में लेयर है उसको ही मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊँ, फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा, जो कि आज तक कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला होगा। कैसे आपको यूज़ करना है सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, आप लोग कभी यूज़ नहीं किए हैं तो भी आप बिल्कुल ईजिली इसको आप सीख पाएंगे। तो चलिए स्कीमेटिक डायग्राम जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है इसको ऑन करता हूँ। ओप्पो का ये देख लीजिए, दो ही मॉडल देख रहा है A3S, रियल में भी दो ही मॉडल है, सैमसंग में अप्रॉक्सीमेट 5-6 मॉडल है, वो भी ओल्ड मॉडल है, ठीक है, और सोमी में भी ज़्यादा मॉडल नहीं है। जो मॉडल है हम उसी को ओपन करते हैं, भाई फ्री में है, फ्री में कितना लोग है, और ये देख लीजिए ऑडियो सेक्शन का हम लाइट सेक्शन को ओपन करते हैं, ठीक है, और लाइट को ओपन करेंगे उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या है मेन अपडेट, कैसे खुल रहा है। ये देखिए बिल्कुल बोर्नियो के जैसे ही ये खुल रहा है, ये देखिए बोर्नियो के जैसे खुल रहा है, और जूम इन जूम आउट भी सेम बोर्नियो के जैसे होता है, कोई तरह इसमें अभी ऐड नहीं किया है, आपको माउस रहेगा तभी आप जूम इन जूम आउट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है जैसे बोर्नियो पहले था उसमें भी नहीं था ऑप्शन, बाद में इन्होंने ऐड किया, पहले माउस से ही कर पाते थे, अभी भी इसमें भी वही है, माउस से कीजिए। ये देखिए जूम इतना अच्छा कर रहा है जिसका कोई हद नहीं है, इतना अच्छा कर रहा है, और क्या क्वालिटी के साथ सारा कुछ वही है सेम बोर्नियो के जैसा है यार, फ्री में दे रहा है, इतना अच्छा दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। आप लोग फटाफट से इंस्टॉल कीजिए और इसको रन कीजिए, अगर फ्री मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 1 ईयर भी, और वो भी 1 ईयर आप लोग चलाइए अच्छा खासा, अगर आपको लगता है तो बाद में एक्टिवेशन करा लीजिएगा 1 ईयर के बाद, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। इससे ये होगा कि आप लोग जैसे दूसरा भी मैं एक ओपन करता हूँ देखता हूँ इसमें क्या है, ये देखिए सेम बोर्नियो के जैसे खुलता भी है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है इसमें, और जूम करके देखिए पूरा जूम क्वालिटी, एक तरह भी पिक्चर नहीं फटता है इसका, बिल्कुल क्लैरिटी गजब है, ठीक है। तो ये देख लीजिए सारा कुछ सही है इसमें। तो इसके बाद हम चलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में, आपका टाइम वेस्ट ना करते, उसके बाद हम जाएंगे बीट मैप में, उसके बाद लेयर, लेयर में तो कतई जहर है भाई, लेयर इतना अच्छा इन्होंने दिया है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3rd लेयर, 4th लेयर, जितना लेयर है सारा कुछ इन्होंने दिया है, जो कि एक क्रांति है इनके लिए कि एक कदम बढ़ाया इन्होंने लेयर के तरफ, ठीक है। ये देखिए स्कीमेटिक डायग्राम में, स्कीमेटिक डायग्राम आपको बहुत ही ज़्यादा ऑल टू ऑल मॉडल मिल जाएगा। चलिए सोमी में क्लिक करते हैं और देखते हैं, ये देखिए ऑल टू ऑल मॉडल इसमें इन्होंने दे रखा है स्कीमेटिक डायग्राम का, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है, आप लोग यूज़ कीजिए और फ्री है, जब तक यूज़ करना है 1 ईयर का है, आप लोग फ्री में यूज़ कीजिए, अगर अच्छा लगे, अगर कंपनी आगे अच्छा अपडेट देता है तो आप लोग इसको एक्टिवेशन कराइएगा, नहीं तो नहीं कराइएगा, ठीक है। देख लीजिए इन्होंने क्या क्या दे रखा है, जो है मेन हमें जो जो अच्छा लगा, स्कीमेटिक डायग्राम तो अप्रॉक्सीमेट मिल ही जाता है, फिर भी अप्रॉक्सीमेट अगर आपको एक जगह मिल रहा है स्कीमेटिक डायग्राम, ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम चलते हैं बीट मैप की ओर, तो देखिए बीट मैप हम ओपन करते हैं, ये देखिए स्कीमेटिक डायग्राम में भी सारा मॉडल इन्होंने दे रखा है, वीवो में भी 2-4 मॉडल आपको देखने को मिल जा रहा है, बट सही है 10-15 मॉडल है अप्रॉक्सीमेट, तो वैसे ही बोर्नियो में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था उस समय, जिस समय आया था तो ज़्यादा नहीं था, बट ठीक है फ्री में दे रहा 1 ईयर, आगे अभी तो नहीं ले रहा है ना एक्टिवेशन, मेन चीज़ ये है कि अगर अच्छा कंपनी अपडेट देता है तो आगे रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, मेन चीज़ ये है। उसके बाद चलते हैं, ये देख लिए स्कीमेटिक डायग्राम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बीट मैप, बीट मैप हम ओपन करते हैं, ये देख लीजिए इन्होंने थोड़ा क्या अच्छा किया है कि जो जो ट्रैके हैं मेन ट्रैक इसका, तो इन्होंने उसको क्या किया है कि रेड कलर से दिखा दिया है, और आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नीचे आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको अगर स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो वो भी आप उसको यूज़ कर पाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा उन लोगों के लिए भी। तो ये देख लीजिए हम दूसरा मॉडल भी यहाँ से
खोल लिए यहाँ से और इसको चलिए करते हैं जूम। जूम करके देखते हैं कि जूम अच्छा होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो ये देखिए, जिस पर हम टिक करेंगे, जिसका ट्रैक जहाँ रहता है वो ऑटोमेटिक वहाँ से दिखा दे रहा है। तो हमें अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, अब मेन चीज़ जो है हमें ये लेयर लगा, जो कि मॉडल अभी नहीं है, इन्होंने दो चार मॉडल, अप्रॉक्सीमेट 5-7 मॉडल है, ठीक है, 4-5 ही मॉडल है, बट इन्होंने शुरुआत जो किया है, हमें ये अच्छा लगा कि शुरुआत करने से ये हुआ कि जो भी मार्केट में परचेज करके दे रहा है टूल, बोर्नियो हो गया, प्रेग्मा फिक्स हो गया, बहुत सारा मार्केट में है, तो इन्होंने जब ये फ्री में दे रहा है तो उनको भी लगेगा कि नहीं भाई, वो अगर फ्री में दे रहा है तो उसके तरफ कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इसके चक्कर में ये लोग क्या करेंगे कि ये भी फ्री में देंगे, अब फ्री में नहीं दे, अब परचेज वो है तो परचेज में ही वो टूल देंगे 100%, ये लिख के ले लीजिए। बहुत जल्द बोर्नियो प्रेग्मा फिक्स में भी ये लेयर वाला जल्द ही देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट लेयर है जो कि आप लोग आंखों से भी देख पाते हैं, जो फर्स्ट लेयर ऊपर में रहता है, ये फर्स्ट लेयर है। और मैं दिखाऊंगा आपको अंदर भी जाके सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ये कैसा है, 8 लेयर तक इन्होंने दे रखा है यहाँ पर, तो कैसा है ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए, मैं इसीलिए बताता हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, ये मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। ये देख लीजिए कितना अच्छा है भाई, गजब, कतई जहर है ये, और बहुत ही अच्छा अपडेट है, बहुत ही अच्छा शुरुआत इसको माना जाए। ये देखिए कितना अच्छा है ये, अब इतना समझ लीजिए कि ये आने वाला समय में बहुत ही जल्दी ये मार्केट में कंपटीशन ला देगा, ये इस चीज़ का तो मानने की ज़रूर बात है। ये देखिए, जहाँ भी टिक कीजिए ये पूरा बिट मैप के जैसे काम कर रहा है, आप इस चीज़ को समझिएगा।